गूगल सीट की आज हम क्लास में बात करेंगे कैलकुलेशन, कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आज इस पे हम बात करेंगे। देखिए गूगल सीट भी बिल्कुल सिमिलर एक्सेल की तरह है, जहाँ पे हम एक सेल टू अनदर सेल में हम जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20-30 हमने लिखा है, तो इसको हम जो इनबिल्ट सम का फॉर्मूला है SUM सम, इस फॉर्मूले की मदद से भी इनको हम ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। या दूसरा इस पे हम जस्ट प्लस का साइन लगा दें और प्लस का साइन लगा के भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो हमने यूज किया इनबिल्ट फंक्शन, जो आपके गूगल सीट के इंसर्ट के अंदर फंक्शन लिस्ट में जो फंक्शन है, इन फंक्शन में से एक है आपका सम फॉर्मूला और ये जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। देखिए सम का फॉर्मूला तो इनबिल्ट है, मतलब कि लिमिटेड है, आपके हर तरह की कैलकुलेशन के लिए सम का फॉर्मूला अवेलेबल होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे क्या क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई और एक पावर आता है, ये पांच मैथमेटिकल ऑपरेटर अब तक इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन। उससे पहले एक बार हम रेफरेंसिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेल्स डले हुए हैं कुछ वैल्यू, राइट सर? ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि सम में मुझे यहाँ पे सम में 20 ऐड करके यहाँ रिजल्ट चाहिए, या मान लीजिए 50 ऐड करके रिजल्ट चाहिए, तो हम इक्वल पेस्ट करेंगे, ए टू को सिलेक्ट करेंगे प्लस 50 कर देंगे, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से नीचे इसको हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि सब पे प्लस हो गया 50। तो यहाँ ऊपर में क्या लगाया था हमने, ए टू प्लस 50, जब नीचे ड्रैग किया तो ए टू क्या बन गया, ए थ्री ए फोर ए फाइव। मतलब आपने देखा कि एक सेल पे फॉर्मूला लगाए उसको नीचे ड्रैग करें तो रेफरेंस इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है ए जो आपका ए टू है सेल एड्रेस, ठीक है, ए कॉलन टू नंबर रो, इसको रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है सर? तो रेफरेंस होता क्यों है? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 50 और यहाँ पे 30 कर दिया, अब मुझे इनका जोड़ चाहिए, तो जनरली हम यहाँ पे 50 प्लस 30 कर देंगे तो रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक। पर ये सेल से लिंक नहीं है, क्योंकि तो 40 हुआ तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ चेंज। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम 50 का सेल एड्रेस जो कि है E6 कॉलन 6 नंबर रो प्लस F का सेल एड्रेस जो कि है 40, इनको लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होगा तो एंटर मारते ही अपने आप चेंज हो जाएगा, समझ गए? जब भी कोई फॉर्मूला लगा के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपका रेफरेंस चेंज होता है, एक अच्छा बात है। अच्छा बात क्यों है कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसा ना होता, एक एक करके फॉर्मूला लगाना पड़ता, ऐसे 10,000 से ऊपर आपके कॉलन होते तो रो होते सॉरी, तो मैनुअली फॉर्मूला लगाना कितना मुश्किल हो जाता क्या उज्जवल जी? उज्जवल जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लग रहा आपका इंटरनेट फिर से। हाँ सर आवाज आ रही मेरी आपको? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अब यहाँ पे हमने क्या किया आपके सामने कि यहाँ पे हमने बताया कि वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि CD1 या C1 पे जो वैल्यू डली हुई है ना, वही प्रेस वही हमारा सम होना चाहिए। हमने A2 को सिलेक्ट किया प्लस C1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। अब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि यहाँ पे A1 से C1 हुआ तो यहाँ भी A2 से C2 हो गया, क्योंकि A1 अगर A2 अगर A3 हो सकता है तो C1 में C2 हो सकता है। जी हाँ,
इसको रोकने के लिए हमें जस्ट इसके आगे डॉलर का साइन लगाना है, मतलब कि एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है। एब्सोल्यूट है, रेफरेंस फ्रीज जब है, करना है। हाँ जी है, फ्रीज करना है, मान लीजिए अब चेंज हो गया। तो यहाँ पे हर सेल में, हर सेल के एड्रेस में दो पार्ट होता है, एक आपका करेक्टर जो कि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो कॉलम होता है एबीसीडी करेक्टर में जो होता है, और नंबर आपका रो होता है। तो अभी हमने टॉप टू बॉटम ड्रैग किए तो हमने वन के आगे जो है डॉलर साइन लगा दिया, लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूँ तो फिर क्या है कि आपका सी जो है डी हो गया। हाँ तो अगर आप उसको भी रोकना है तो आप सी के आगे भी डॉलर साइन लगा दे, ठीक है। ठीक है, तो हाँ। आप ऊपर नीचे कहीं भी ड्रैग करेंगे आपका चेंज नहीं। अब चलिए हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया एक बार मेरे को आप वो एक्सेस देना रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड का। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक बार सर मेरे को फिर से ये वाला बता दो, फ्रीज वाला। आप रिकॉर्डिंग की दिक्कत मत कीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई, अब अगला जो दिक्कत आती है वो ये आता है, अगला जो प्रॉब्लम है कि मैंने आपको बताया था सम का फॉर्मूला, मैंने बताया था कि आपके पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, इसके जरिए आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता है तो, बट इनबिल्ट फॉर्मूला आपके पास लिमिटेड होते हैं। तो चलिए उसी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ बाय किया और फिर उसको सेल कर दिया, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पता करनी है, कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट हुआ। जैसे 50 रुपीज में हमने सामान खरीदा, 55 में सेल कर दिया, कितना परसेंट हमने प्रॉफिट किया। डिवाइड बाय बाय, क्या बोले सर? सेल डिवाइड बाय बाय होगा ना। हाँ, तो इसके लिए, अब इसके लिए आपकी गूगल सीट के अंदर में कोई भी इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है, भी तो आपको पता नहीं या आपको उस पर ट्रस्ट नहीं, राइट? ठीक है। देखिए मैथमेटिक में पता है कि मैथमेटिक कहता है कि सेल माइनस बाय, ठीक है, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय प्रॉफिट, ठीक है ना? ठीक है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? अब यहां हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट रहना जरूरी है, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, रिजल्ट आ गया। अब इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगा, संबल लगा दिया, हो गया सर। हाँ, अब मैं ब्रैकेट क्यों बोला, क्योंकि कैलकुलेशन में ब्रैकेट काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि बोर्ड मास मेथड से ही यूज होते हैं। क्योंकि अगर आपने अगर ले लिया कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, तो क्या होता है कि बोर्ड मास कहता है कि पहले डिवाइड देन माइनस, तो 50 को 50 से डिवाइड करके फिर 55 से माइनस कर देगा, रिजल्ट 54 आएगा। हाँ, इसलिए हमें ब्रैकेट चाहिए होगा, राइट सर? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, अब चलिए कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाते हैं आपको। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अमाउंट कैलकुलेशन के लिए, कि आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, राइट? मान लीजिए 50,000 का लोन अमाउंट है, 10% इंटरेस्ट रेट से 3 साल, ठीक है। अब उसका अमाउंट क्या, ठीक है। अब अमाउंट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला एफडी का है, फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि यही चीज निकालते दिखाता है, लेकिन मुझे फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं क्या कैलकुलेशन यूज कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है। हमारा अपना मैथ का फॉर्मूला है, हम उसको लेके चलेंगे। तो मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय
ठीक है सर। अब ठीक n है, क्या है, तो n इज n इक्वल टू 12 है। 12 क्यों है, ओके, क्योंकि मंथली मंथ, कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा माउस से नहीं हुआ है क्योंकि मैं माउस से लग रहा है, पैड हाँ का हाँ है। कोई नहीं कोई नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है इक्वल। अब इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें, तो वन बाय हाँ वन करते हैं हम, पहले बीच का कैलकुलेशन तोड़ के करते हैं इसको सर। कि ठीक है, वन प्लस ब्रैकेट में हमने ले लिया आर डिवाइड बाय 12, एन है ना, तो 12 ठीक है, एक ब्रैकेट कैलकुलेशन हो क्लोज। गया। फिर इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर देते हैं कि टी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। हम्म, फिर इन दोनों का पावर निकालना है, इन दोनों का हमने पावर निकाल दिया। और फिर एट द लास्ट हम इसको प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ के कैलकुलेशन किया, तो क्या बेनिफिट हुआ, अगर कहीं पे हम गलती कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे गलती हो रहा है, तो क्या होगा, अगर पता चल जाए कहाँ पे गलती, उसको हम सही कर लेंगे। अब फाइनल रिजल्ट आया तो इन सबको हम कंबाइन करेंगे एक सेल में। कैसे, सिंपल सा, इस पे क्लिक करते हैं तो ये C17 और D17 से लिंक है। C17 पे आया, हाँ यहाँ पे C17 पे लगा है फॉर्मूला, हमने हाँ इसकी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया डबल क्लिक करके, बट इक्वल को कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है, अब C17 के जगह पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्ट नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला पेस्ट करेंगे ताकि ठीक है, कैलकुलेशन इफेक्टेड ना हो, ठीक है ना, सर। और फिर D17 के जगह पे D17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, मतलब कि मैं इन दोनों फॉर्मूले को डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, और फिर वापस हमने इसको कॉपी किया इक्वल के बाद, और जहां E17 था उसके जगह पे उसका फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, अब इसको कॉपी करके मत ले जाइए, कट करके ले जाइए, ठीक है, कट पेस्ट कर दीजिए, रिजल्ट आ गया सर। आ अब गया, ई कैलकुलेशन में कहीं पे ब्रैकेट छूट सकती है क्या, या ज्यादा लग सकती हाँ थी, लेकिन हमने लग आपको क्या सकता है, तरीका बताया, हमने आपको तरीका बताया कि आप पहले इसको अलग अलग करो। हाँ, अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं सर ये तो छोटी सी है, अब तो बड़े बड़े फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो लगा लेंगे हम आपके, तो इसमें एक, चलिए इससे रिलेटेड एक और चीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और कैलकुलेशन बताते हैं जहां पे आप मान जाएंगे कि नहीं सर मेथड सही है। हमने कॉस्ट किसी कंपनी के प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 है, मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। एमआरपी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि हमें अपने अपने कॉस्ट का 5% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरर 50 में ₹2.5 जोड़ के दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर, जोड़ के ₹52। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 10% की कमीशन लगता है अपने खरीद पे, और अपने खरीद में ऐड करके दे देता है होलसेलर को। होलसेलर अपने खरीद का 15% ऐड करता है और दे देता है रिटेलर को। रिटेलर कहता है कि मुझे 15% में 20% चाहिए, तो 20% ऐड करता है और ऐड कर देता है, दे देता है ग्राहक को, ग्राहक को, कस्टमर को फाइनल प्राइस। लेकिन ये कई सारे सेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है, तो सेम मेथड जो यहाँ अपनाया तो यहाँ अपनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते और यहाँ जहाँ C21 है उसके जवाब पे ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं, मतलब मैं इसको डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जहाँ जहाँ 22 है, 22 के जगह पे हम ब्रैकेट में बस इक्वल को भी मत कीजिएगा, और आप अपना टोटल देखते रहिएगा, अगर टोटल में फर्क आ रहा होगा कहीं पे आपने गलती किया है। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऊपर इसमें आते हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ 21 के जगह पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। फिर वापस इसमें आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसमें जहाँ D22 है उसके जगह पे हम इसको प्लेस कर देते हैं।
यहाँ भी d22 है, इसके जगह पे इसको हम प्लेस कर देते हैं। सो कॉपी करते हैं, e21 के जगह पे अब इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और वापस इसको कॉपी किया, इस पे आए e22 के जगह पे e22 का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ भी e22 है इसके जगह पे फॉर्मूला, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अब देख रहे कितना लंबा होता जा रहा है फॉर्मूला, हाँ हाँ f22 की जगह पे जी। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको कट करके यहाँ डाल दिया, समझ गए? समझ गया, कोई डाउट इसमें?